पहली बार हम किसी से कैसे, कब, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं ये हमें भी नहीं पता, और उन्हें हम फिर कब, कैसे, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं। कहां से आई बाथरूम? तुम यहां कैसे आए? प्लेटफॉर्म से। आप बाथरूम में क्या कर रही थी? अच्छा, टिकटलेस ट्रैवल कर रही हैं। ओह शट अप। आप यहां इस कंपार्टमेंट में कैसे आई? यहां की सारी सीटें रिजर्व्ड। भाई साहब सर एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ये पूरा कंपार्टमेंट मेरे लिए रिजर्व्ड किया गया। अब आप चलते बनिए। अब तो नामुमकिन है, अब तो बंबई में ही चलता बनूं। आपने ऐसा क्या किया होगा कि आप सबसे छुप रही हैं? सारी सीटें बुक करा ली। आप यहां जानकर, आप मुझे जानते नहीं? आप जानती हैं मैं कौन? गोविंद रुक्सा। जामुन खाइएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए इतना ड्रामा कर रही है? फिल्म स्टार है। खाइएगा भाई। संगीतकार हैं, बंबई किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जी मैं भी आई थी लखनऊ से। मैं और मेरी सहेली घर से भागे थे। मुझे एक्ट्रेस बनना था। एक दिन स्टूडियो के बाहर राज खोसला जी की नजर मुझ पर पड़ी और फिर और अब आप एक बड़ी स्टार हैं जो खुद की मैगजीन लेकर घूमती हैं। क्या करें, आप जैसे मुझे पहचानते नहीं। माफ कीजिएगा, अगर आप एसडी बर्मन या राज खोसला होती तो झट से पहचान। अरे कच्चे आम, बड़े दिनों से नहीं खाए, प्लीज जाकर मेरे लिए ले आइए ना। अब तो ट्रेन भी रुक गई। आप जैसा बोलती हैं लोग वैसा ही करते हैं ना। क्यों? ये देखिए, आपके कच्चे आम के चक्कर में मेरी ट्रेन मिस हो जाती। आप यही जाती थी ना। क्यों? अजीब बात है, आप फिल्म स्टार बनी मशहूर होने के लिए, और अब जब मशहूर हो गई है तो अपना चेहरा छुपा रही। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब अगर आपका ऑटोग्राफ नहीं मांगा तो शायद आप बुरा मान जाएंगे। आप यहाँ कैसे? गंगाधर मैं इनको जानते हैं, आप सामान लीजिए। जी नमस्कार।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका सफर कैसा? सब ठीक चले। आइए गाड़ी भैया। माफ कीजिएगा, बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहा हूँ, छाता नहीं है मेरे, आपके पास है, शेयर करेंगे? मेरा नाम गोविंद है, पुणे से आया हूँ। आज से बुकिंग है मेरी, यहाँ 3 महीने के लिए। एडवांस मनी ऑर्डर से भेज चुका हूँ, ये रिसीट है, माफ कीजिएगा थोड़ी देर। सॉरी, देखो वो जो आदमी वहाँ पर है, वो गिटार वाले साहब, हाँ वो मुझसे मिलने आएंगे, आप उन्हें 5 मिनट वेट करवा के मेकअप रूम में ले आइए। जी मैडम। मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ 5 मिनट वेट करवाइए, पूरा आधा घंटा होने को आया, जाइए उन्हें अंदर लेकर। लेकिन मैडम वो साहब तो आए नहीं। हाँ मैडम, मैं उन्हें बुलाऊं, उन्हें बुलाकर 5 मिनट रुकाकर फिर अंदर ले आता हूँ। नहीं ठीक है। जी मैडम।
कौन? आप वो गिटार वाले साहब को देख रहे हैं? हाँ मैडम। वो मुझसे मिलने आएंगे, आप उन्हें 5-10 मिनट वेट करवा कर मेरे पास अंदर ले आइएगा। जी मैडम। ठीक है। वो साहब नहीं आएगा तो तू पिटेगा। हाँ। एक सेकंड। मैडम स्टेप चेंज कर दे। नहीं सॉरी बारी जी, आप मुझे 5 मिनट देंगे? नो प्रॉब्लम। चलो आइए मैडम, आप जाइए उन गिटार वाले साहब को लेकर आइए। आइए सब। आप समझते क्या है अपने आपको? 2 मिनट आपसे मैंने बात क्या कर, आप कौन है? मैं आप ही नहीं तो बुलाया था? मैंने उस गिटार वाले को बुलाया था। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। गंगाधर आइए भाई साहब। मैम एक धुन सुनेगी? मैं आपकी धुन मैं सुनूंगा, चलिए ना। इतनी देर से आने का मतलब? अच्छा आप यहाँ हैं, अरे वाह। एक सेकंड मैं अभी आया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं। पता होता तो मैं पहले। आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए थे तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे? आप भी तो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए, मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैं यहाँ शूटिंग कर रही हूँ। आप यहाँ काम करने आए हैं तो फिर अभी बाहर भागते हुए क्यों गए? ये क्या आपके? कच्चे आम? जी स्टूडियो के बाहर ही मिलते हैं। यहाँ बंबई में इनमें प्याज और हरी मिर्च डाल के बनाया जाता है, चटपटे हैं, ट्राई कीजिए। वैसे यहाँ इन्हें कैरी कहते हैं। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, एसी की हवा नहीं। यही कि आप हमें मिस कर रही थी और हमारा इंतजार किया जा रहा था। अच्छा लग रहा है। गिटार बजाने का? जी। फिल्मों में या होटल में? वैसे आप होटलों में बैंड में भी बजा सकते हो। थैंक यू, वहां भी ट्राई करूं। अजीब है, आप आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब जो आपने देखा उसके बाद मैं आपको कैसे देखूं? शर्मानी चाहिए आपको किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए? एक्सक्यूज मी प्लीज। अभी कब रुकती? बस अभी आने वाली स्टॉप पे रुकती। ये आजकल की लड़कियां बहुत ही फॉरवर्ड हो गई। देखिए अब और क्या देखना है आपको? बहुत हो गया, इसे हमें खत्म करना चाहिए। शर्मा मैं रही हूँ या आप? देखिए इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका, जिस तरह आपने मुझे, जी उसी तरह मैं भी आपको। आपसे होगा नहीं, अगर मेरी खिड़की खुली भी होगी तो आप देखेंगे नहीं।
जल्दी कैसे तैयार हो गए? ऐसे ही सोचा आपको ट्रैम स्टेशन छोड़ने। से मेरे दिल को उफ, तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरे चुरा, ये समाना भी देखे जरा। जब से मेरे दिल को उफ, तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरें चुरा। जब से मेरे दिल को खुल
बोला मुस्कुरा जुल्फ झटक के आ जरा मैं ही मैं हूँ और बस तू ही तू गुपचुप गुपचुप अब नहीं चुप 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 अब नहीं छेड़ने दो अब खुल के गुफ्तगू ख्वाबों में मुझको यकीन अब करना आ गया सबको इस शहर में जहर पढ़ना आ गया तो आ आ आ आ भी जा ना ना नजरे चुरा ये समाना भी देखे जरा नखरे हैं तेरे होश उड़ाते हैं मेरे मेरी नहीं है इसमें कुछ खता प्यार कर दी हो तो फिर क्यों डरना आ गया सबको इस शहर में जहरे पढ़ना आ गया जब से मेरे दिल को उफ तुझ पे मरना आ गया सबको चेहरे पढ़ना आ गया सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया तो आ आ आ आ भी जा ना ना नसरे चुरा ये ज़माना भी देखे जरा जब से मेरे चाची जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में अच्छा कह रही थी वो हैंडसम लड़का कौन है क्या करता है आपके खानदान में सभी लड़कियां ऐसी वो अपने बारे में नहीं मेरे लिए पूछ रही थी और इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है मैं 1960 की लड़की हूँ अपने डिसीजंस खुद लूंगी जी जी और मेरे लिए भी साथ में ले रही हैं पहले डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना आपको नौकरी मिली घर ऐसे ही रहा ना तो आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली चाची से कहिए मिल गई मैडम आपके गेस्ट हैं मैं उन्हें अंदर लाऊंगी आप 5 मिनट वेट कराऊं चाय लेकर आए जी जी तुझे रुका कितना बुद्धू आई एम सॉरी मुझे तुझे कुछ बताना है मुझे भी हाँ पहले मैं किसी से मिली हूँ मैं भी हाँ मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस आया मेरे सामने वाले कमरे में रहने आया थोड़ा सा अकड़ू है बहुत शर्माता है ऐसे पेश आता है जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो पहले सोचा बदमाश है पर बहुत ही शरीफ है मुझे उसकी यही बात पसंद आती है पसंद है तुझे देख उसके बारे में बात कर कितना स्माइल कर रही है तो उसके सामने कैसी होती होगी खुदा के देख लेना सच प्रेमिया पे लेकिन तुझे भी अपने पड़ोसी को लाना ओके ओके पक्का ओके मैंने तो आपको पहले दिन से ही अपना मान अब आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या तुम मुझे इस प्रेमिया पे बुलाना चाहती हो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ
तो मैं भी कल तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ये वो जिसके बारे में मैं गोविंद मैं किसी से मिली मैं भी मेरे सामने वाले कमरे में रहने आए हैं मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसाया मैं और मेरी सहेली घर से भागे थे मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ तो मैं भी कल तुम्हें एक सरप्राइज दूँ अच्छा लग रहा था ये क्या आप हमें मिस कर रही थी और हमारा इंतजार किया जा रहा है चाची से गई मिल गई Stop this fighting. It stopped, Krish. हमारे भी जो था सब stop किए. और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए time कहाँ है? Oh sorry, time है work के लिए, studies के लिए सिर्फ मेरे लिए time नहीं है. Krish and Meera fighting again. Listen, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, मस्ती करने नहीं, okay? Oh nice. तो अब मैं तुम्हारी life में सिर्फ मस्ती हूँ. You know I didn't mean that, and those are really expensive shades. So. It's over, Krish. I hate you. I hate you too. शेक्सपियर की Please tell me कि तेरा रोमियो ऐसा नहीं होगा। Oh, come on.
Idiot! क्या? तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी। I'm sorry कि आपको idiot कहा। It's okay। अपने मन में मैंने भी तुम्हें idiot कहा। That's 5 minutes in that direction over there, and then I thought we could stop somewhere to have ourselves a nice lunch. We could do like a 3-course, you know, with like a nice tea. That guy stole my phone. Dessert, really? You know, yeah, it's the oldest trick in the book. Bang into somebody and then steal their phone. Yeah, unka wallet kahan gaya wo? Officer, that guy stole my phone. He bumped into me and he stole my phone. A blue shirt. The oldest trick in the book. Come with me. That's what I said. That hey, you! Stop him. Wait! In the blue shirt! Wait, in the blue stop shirt. Right there! Stop! Yep, that's him. Sir, did you take your phone? What? Can I see your phone, sir? Please. Yeah, sure. That's... Oh, yeah, that's not my phone. When we banged into each other, it must have kind of got exchanged. When you purposely bumped into me. So, this is her phone, sir? Yes. Yes, but obviously, when we banged into each other, our phones must have got exchanged, right? So, you must be having my phone. Rubbish, you stole my phone. Why are you stealing my phone? Mujhe kya pata log chori kyun karte hain? Sir, you're going to have to come with me. Yeah, but you need to check her for my phone. You have the right to remain silent. No, I don't want to remain silent. I just want sir, to... Sir, her phone was found on you. You've admitted the crime. Crime? If you don't come quietly, I'm going to have to forcefully arrest you. But why are you arresting? I mean, can you at least... Listen, dude. Okay, you know what I'm thinking, why don't we go up now? Let's go to this place quickly, and then we can go up to the... Pick up now. Not mine. What? Sir, I'm sorry. मैंने बेल के पैसे भी. You got me arrested. Happy birthday. Thanks. Best birthday ever. Just let me buy you a drink, please. एक दिन मैं घर से भाग गई. मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक सबक सिखाऊंगी. मैंने अपना सूटकेस पैक किया एंड मैं भाग. मैं 6 साल की थी और जो मेरा सूटकेस था ना वो एक्चुअली मेरा लंच बॉक्स था. और मैं घर से गार्डन तक भाग. 20 मिनट बाद जो मेरे लिए लाइक वन फुल डे था. मैंने सोचा कि अब तक तो मेरे पेरेंट्स सबक सीख रहे हो, मुझे शायद वापस घर जाना चाहिए. मैं घर वापस गई ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स रो रो के मुझे हग करेंगे और प्यार करेंगे. लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि बारिश में क्यों खेल रही थी और ये लंच बॉक्स कैसे टूटा. मुझे सब कुछ याद, सिर्फ ये याद नहीं कि मैं घर से क्यों भागी थी. सो बेसिकली जो चीजें हमें कभी कभी सूटकेस लगती हैं वो एक्चुअली सिर्फ लंच बॉक्स होते हैं, है ना? True. अनकही
जाना चाहिए, मेरी ट्रेन 15 मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। राधा। हाय। I think we had a good time last night. I think so too. Agli train kitne baje? I have to go, Krish. Hey, Radha, where have you been? It's just a long story. I'm sorry, Krish.
I'm sorry, Krish, मुझे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहिए था. Agree. And what is this that you're wearing? Anyways, कहाँ थे तुम? रोहन और चिराग भी तुम्हें ढूंढ रहे थे. Just मेरे club. Club? You hate clubs. किसके साथ थे? तुम उन्हें नहीं जानती. मैं नहीं जानती. मैं तुम्हारे सारे चार दोस्तों को जानती हूँ. Anyways, you don't have friends. क्योंकि तुम्हारे पास time कहाँ है? सिर्फ work and study. Exactly. And that's why you decided that let's just break up with Krish on his birthday. वो एक दिन जब वो खुश होना चाहता है, let's just screw it up for him, right? ऐसा कौन करता है मीरा? You know where I was with Radha. Who's Radha? I met her, kind of bumped into each other last night. हमारा एक झगड़ा होता है और तुम किसी भी लड़की के साथ रात में? वो किसी भी लड़की नहीं है मीरा, और हमारा झगड़ा नहीं हुआ था. We broke up in front of the whole university. Remember? Just like how you always like to do it, public tamasha. तो दो घंटों में तुम्हें कोई और मिल गई? मुझे कोई मिली नहीं. We हो गया. हो क्या क्या मतलब? Did you sleep with her? Slut. Listen, don't call her a slut, all right? तुम उसे जानती भी नहीं. मैं उसे नहीं, तुम ही slut कह रही हो. मैंने सोचा तुम्हारा बर्थडे है, हमें झगड़ा नहीं करना. क्या? I was so stupid. Did you sleep with her? I don't want to tell you because we broke up. Remember? Dude, where were you? किसी लड़की के साथ. And please, she's not कोई ऐसी वैसी लड़की, okay? वो पहली मीटिंग के बाद सारी रात इस slut के साथ बिताती है. But that's okay, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था. कल रात को तुम्हें स्टडी नहीं करना था, काम पे नहीं जाना था, सारा टाइम था उस राधा के लिए. मीरा और कृष के बीच में राधा कौन है? चल, हट। राधा ब्लडी पब्लिक तमाशा. At least say sorry. Are you serious? ऐसा ब्रेकअप करके गई है, मेकअप करके गई है? डूड, मीरा इज लाइक डॉन. उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं. It's like we connect. क्या एक ही रात में? Oh please, अब ये मत कहना कि किसी को जानने के लिए टाइम लगता है और फिर मैं कहूंगी नहीं मिहिर, सिर्फ एक ही मुलाकात काफी है. Oh come on, Rana, stop making such drama. एक मुलाकात. But I mean it. अगर दो लोगों के बीच में vibe है तो है. Vibe? Yeah. Okay, what is this vibe? This is a vibe. See? Vibe. मेरा vibe सिर्फ मेरे cell operator से है. उससे ज़्यादा मुझे कोई एक पे मैसेज करता ही नहीं है. ये देखो, had a great time. फिर मिलेंगे. एक, फिर मिलेंगे means thank you, bye bye. फिर नहीं मिलेंगे. Trust me. Not if it ends with a smiley. Smiley डालने से मैसेज का मतलब चेंज होता है. Duh. Okay, तो मैं कहूँगी yes, definitely see you soon. Don't forget the smiley. Knowing that the person behind you will not let you down. One, two, three. That was very good. Thank you. तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, पर क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? Ow! Long answer. Who eats burgers for lunch? तुझे सोचू, तुझे सुनू, तुझे बस यही तुझ में डूबा रहो, डूबा रहो, डूबा डूबा रहो, मैं तुझ में ही तुझ में डूबा रहो. That's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do. देखो तुझे छोलो, तुझे सोचो, तुझे सुनू, तुझे बस दिल तुझ में डूबा रहे.
पहले मैं तुझसे मिलता था, अब मैं तुझ में घुलता जाऊं, ख्वाबों में गर हाथ बढ़ाऊं, हाथ तेरा पाऊं। खुशबू के जैसे मुझे ओढ़ ले तू, हर ख्याल महकता है, एहसास लेके तेरे साथ का हर लम्हा सरकता है। डूबा रहो डूबा डूबा रहो, मैं तुझ में ही तुझ में डूबा रहो। That's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do. By the way, thanks, huh? Station आने के लिए। अरे यार वो इको प्रोफेसर ना बहुत स्ट्रिक्ट है। I'm so sorry. लेकिन मैंने अब से सारे क्लासेस बंक कर दिया, promise. Okay, so turn around. Hey. Thanks. Oh no. हमारे बीच में वो नहीं होना चाहिए। क्या? You know. जब लोग SMS BBM पर बातें करते हैं and then when they meet, nothing to say. No, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम पुरानी जीन्स की तरह। पुरानी जीन्स? हाँ, पहली मीटिंग से perfectly comfortable। पुरानी जीन्स। Nice. All right, come on. I'll show you Nottingham. Yeah. Nottingham? वो Nottingham में क्या कर रहा है? I'm so sorry. That's not for you. That's for Meera. Meera, कौन है? है नहीं थी. We broke up. कब? जिस रात हम मिले थे. Sorry, wait a minute. जिस रात हम मिले थे, तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ था और तुम मेरे साथ पूरी. Listen, what's wrong with all you girls? मैंने कहा ना, we broke up, Radha. Yeah, सिर्फ दो घंटे पहले, Krish. तो कितना टाइम होना चाहिए? Is there like a time limit to it? Oh, shut up. अगर तुम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया तो वो तुम्हें मैसेजेस क्यों भेज रही है? वो भी इतने सारे. Meera मुझे मैसेज नहीं कर रही है. तो फिर? Hey, aren't you this guy? Hey, it is him. Can I just see that, please? No way. Yeah, Meera's mad. किस बारे में? कि मैं यहाँ हूँ. Shit! तुमने अभी तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया? How's this, Krish? What is wrong with her, man? What's wrong with you? Excuse me. तुम उसे अभी फोन कर रहे हो? She has so had it from me. You have so had it from me right now. क्या तुम अभी भी उसके साथ हो, Krish? Are you cheating on her with me? What? In the house tonight, we have Krish, who is fast becoming the most famous breakup artist on Facebook and Twitter. Check it out. Listen, I am not cheating on her with you. Okay? We broke up. Right now, I need to show her that two can play this game. Now this is war. Oh, तो तुम्हारे फोन पे अभी उसके फोटोग्राफ्स हैं? Yeah, obviously, because मुझे निकालने का टाइम नहीं मिला. And actually, right now I'm really happy.
उसके फोटोग्राफ्स निकालने का टाइम नहीं मिला, लेकिन साइट पे मेरे साथ स्टार्ट करने का बहुत टाइम था तुम्हारे पास। लिसन, तुम साइट पर नहीं थी। राधा, तुम्हें लग रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट अब जो मैं करने वाला हूँ, दैट आई एम डेफिनेटली गोना एंजॉय। एवर। राधा, कम ऑन। अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा करते? आई कांट डू दिस। ये सब बिल्कुल स्टूपिड है। ये पुरानी जीन्स, पहली मीटिंग से कनेक्शन, वाइब। सच तो ये कि तुम और मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, और जो मैं जान रही हूँ। खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके उसने मुझे बनाया होगा। ओए, देख यार, कितना वक्त हो गया, आया क्यों नहीं अभी तक? ओ परमिंदर, कोई आ रहा है, जाओ। अभी आ रहा हूँ। परमिंदर, जाओ ना। ओए परमिंदर, मैं फिर आऊंगा। मिया, परमिंदर तो ठीक थी, तो मैंने कब कुछ और काम किया? ओए, तुझे भी जाने क्यों दिया? तेरा उस पे भी दिल नहीं है? दिल मिला है इश्क करने के लिए, बस इतना समझ लीजिए, एक से करना है या 11 से, खुद ही तय कर लीजिए। वाह वाह वाह, जावे मियां, वाह। वो सूखा हुआ तौलिया सुखाने क्यों आई है? इशारे समझो, मम्मी अभी बाहर गए होंगे, इशारा दे रही हैं। वो ऐसी नहीं। अरे मियाँ, वो जैसी भी हो, तुम कैसे हो? मुझे तो शक हो रहा है, सब पुर्जे हो रहे तो ठीक है तुम्हारे? देखो मियाँ, तवा तुम गरम कर रहे हो, तो रोटी भी तुम ही सेको, वरना कोई और रोटी खा जाएगा और तो लस्सी भी धरा जाएगा। लड़की की माँ सईद मियां जी, और फरमा, वो आग ही क्या जो लग के बड़े नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पे चढ़े नहीं। वाह वाह, नहीं बनता तब तक कोई सच्चा आशिक जब तक इश्क में उसको दो चार बड़े नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ऊपर देखिए, अबे भागो भागो, चल 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 चल, सईद मियां, चल मिल के लेना, कितने भाग रहे हैं तू?
तौलिया सुखा रही थी तो तेरा दुपट्टा किधर है? चल अंदर चल। यार ये आजादी के बाद सिक्के में तस्वीर किसकी आएगी? अभी तो कोई इंग्लिस्तान के वजीर की है ना? हमारा मियाँ ये आजादी होती क्या है? अच्छा हम आजाद होके करेंगे क्या? अरे मियाँ मैं तो आज भी आजाद हूँ, मेरी आजादी पे किसकी पाबंदी है? आजादी दिमाग में होती है मियाँ। ओहो आजादी कितनी भी क्यों ना हो लेकिन तू उसके साथ नामुमकिन। अच्छा वहाँ मियाँ हमें अब तक आजादी नहीं मिली, नहीं तो इंग्लिस्तान चली जाती फिर मेरी आजादी का क्या होता? लो पकड़ो। अमच हाप आना। हाँ हाप आना। आना ही यू डोंट नो इंग्लिश, व्हाई डू यू स्पीक इट? आई सीक हिम इंग्लिश, वी टॉक यू इंग्लिश। How sweet, Alice. He wants to learn English so he can talk to us. Okay, you know English? Yeah. English jante hai? Jante hai. Speak, bolo. Attack! Begin! Bloody charge! Indian dog! Maa ko pata raha hai, uski beti ko pata raha hai. Come to my house. My daughter will teach you English. Oh, okay. Thank you, lady. एक बार ऐसी गोरी लड़की मिल जाए ना, ऐसी लगती है दही के ऊपर मलाई, हमारी देसी गुड़िया की तरह थोड़ी ना। छे निकम्मी सोचे तेरी, उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है, उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है, आखिर मरने के बाद कल उसको मूवी तो दिखाना है। Eyes are blue, my heart true. I tell you, lady, I love you. Alice? Oh, Daddy. Alice? Go, go now. Daddy, you like my song? अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू, अंग्रेजों के तौर तरीके सीख रहा हूँ अब्बू और कुछ उनको अपने सिखा रहा हूँ। What's going on? Who's been in your room? अरे भाग यहाँ से वरना। क्या डरते हो अब्बू, वो हमारे देश की ले रहे हैं, मैं उनकी ले रहा हूँ। Who the bloody hell are you? Daddy. God, catch this man! Man, get him! Bandit, tago! Grab him! Tell him, tell him! Why are you laughing? Get in your room! Move, you idiot! Move, move! जाओ मियाँ, कितना सोएगा चाचा? जावे तेरी पैंदी। आदाब जावे। आपको कौन नहीं जानता? वैसे ये आपके लिए। शुक्रिया। ओए लड़का जो भाग रहा था। कमाल
चलो ढूंढो उसे। हाँ हाँ जाओ। दिल में ना सही कदमों में सही जगह तो दी उसने, दिल में ना सही कदमों में सही जगह तो दी उसने। ए अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कहीं से तो शुरुआत की उसने। मोहब्बत का मतलब इकरार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता। यूं तो मिलते हैं रोज मोहब्बत के पैगाम, मोहब्बत है जिंदगी, बार बार नहीं होता। वाह जावेद, जावेद कादरी। अंग्रेज आपका पीछा कर रहे थे और बाबूजी कहते हैं जो अंग्रेजों का दुश्मन वो हमारा दोस्त, इसलिए हमने आपको पनाह दी। अब चलते बनिए जावेद भैया, हम आपके बारे में सब जानते हैं। आपके अब्बू की महान सोच की वजह से आज हमारी मुलाकात हुई। अपने अब्बू को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा। खुदा हाफिज। अरे अरे उधर किधर जा रहे हो, बाबूजी ने देख लिया तो? जो हश्र हुआ है लाखों का अपना भी वो अंजाम सही। हम पे तो कई इल्जाम लगे, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही? वैसे पास से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको इतने दूर से बुलाना पड़े तो किस नाम से बुलाऊं आपको? आराधना। ओ तेरे। आराधना जी बाबू जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? जाओ बाबू जी, बाबू जी। अरे उन्हें आदाब तो कहता जाऊं। आराधना अगले हफ्ते हमने मोर्चा निकालने का फैसला लिया है, उसी सिलसिले में पार्टी के कुछ लोग दोपहर में आ रहे हैं, सारा इंतजाम कर लेना। हाँ जी। मम्मी क्या बिरयानी बनाई है, मजा आ गया। जावेद तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? करना है ना अबू। अच्छा क्या? निकाह। देखो जावेद हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, अरे तुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? बनना है ना अबू। क्या? दूल्हा। अरे नामा कुल, अपने अब्बू को नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी को तो उसके बुढ़ापे में कुछ देगा उसे? दूंगा ना अब्बू। क्या? पोते। ये पांव ऐसे लीजिए जरा, वाह। अब वो हाथ वैसे और ये हाथ जरा सामने देखिए ऐसे। अरे जावेद। अरे माफ। चलाइए। वाह वाह सामने देखिए। आधा वर्ष आप हमारे साथ अपना वक्त जाया मत कीजिए, दिल नवाज के पल्लू में आपका ज्यादा फायदा है। बात तो सही है आपकी, पर वो दिलचस्प नहीं। ले तो मैं दिलचस्प इसलिए हूँ क्योंकि मैं चुनौती हूँ। जाइए, वो उस साइकिल में कहीं नहीं पहुँच रही और आप हमारे साथ कहीं नहीं पहुँचे। फिर भी आप दो बार मुस्कुराए, सिर्फ दो मुलाकात हुई। देखिए जी आपने जाके अपनी साइकिल की पाठशाला संभाली है, और वैसे भी मारे जाने के बाद आप हमें थोड़ी याद रखेंगे। और आप हमें कब तक याद रखेंगे? जाते भूल जाएंगे। आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको बुला दिया समझ लीजिएगा इस दुनिया में हमने। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने। ये नूर कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने, अल्लाह जाने जाने, मौला जाने इस बात को, अल्लाह जाने।
डगमगाने लगा है, गुरूर भी शराबी हो गया, मिट गई मेरी हस्ती, कोई हुस्न इनकलाबी हो गया, तिरछे कुछ तीर चलाने घायल कर दे नजराने, ये दर्द कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, इस बात को अल्लाह जाने, इस बात को मौला जाने। इस बात को अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, इस बात को अल्लाह जाने। मियां ये जो अंग्रेज हैं क्या हकीकत में इतने बुरे हैं, इतना बुरा काम कर रहे हैं? मियां ये सब सही कर रहे हैं, हमारे लिए रेल लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, हमारा सारा काम कर रहे हैं, हमारा देश सुधार रहे हैं मियां। तो इस हिसाब से हम उनके गुलाम कैसे हुए, बल्कि वो तो हमारे गुलाम हुए मियां। वाह क्या बात है आला भाई, क्या बात है, क्या बेहुदा बात है। आप लोग ना बस पूरा दिन बैठ के इनकी चमचागिरी करते रहो और बेफिजूल में हाँ में हाँ मिलाते रहो। क्या आपको पता है उन्होंने हमारे लोगों को कितना दबा के रखा है? क्या आप जानते हो उन्होंने कितनी लूट मचा के रखी है? क्या आपको पता है उनकी औरतें कितनी दयालु हैं? क्या आपको और कुछ कभी सूझता है? निकम्मे कहीं के। उन्हें हमसे शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें हमसे ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, ना समझे वो ना समझे कि हमें तो हर चेहरे वही नजर आता। ना जागते हुए ख्वाब देखा करो, ना चाहो उसे जिसे पा ना सको, प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है। वाह वाह, ओह वैसे वो सही कह रही, तुम लोग दिन भर बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहो। सच मियां मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इनको लगे कि मैं वैसा हूँ नहीं जैसा उनको लगता है। पर मियां आप वैसे ही है जैसा उनको लगता है। मियाँ मैंने कहा उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसे उन्हें लगता है। और वो कैसे करोगे? तो आप हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? जी बड़ी खुशी की बात है, आप जैसे नौजवान हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। जी मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जाओ जाकर किसी अंग्रेज अफसर पर हमला करो,
तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? गांव में मैंने तुम्हें कई बार देखा है, दिन भर लड़कियों के पीछे भागते रहते हो निकम्मे कहीं के। निकलो यहां से, कुछ नहीं करोगे तुम। जी वो आजादी की लड़ाई, तुमसे कहा ना इस पिस्तौल को उठाओ और किसी भी अफसर पर हमला करो। ऑफिसर छोड़ो, इस पिस्तौल को उठाओ और निशाना साधो। जी। ये किसी लड़की का हाथ नहीं है जिसे तुम आसानी से पकड़ सको। निकलो यहां से, निकलो। जी माना कि मैंने आज तक कभी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं निकम्मा हूं। हुजूर कुछ तो काम होगा मेरे लिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगले हफ्ते मोर्चा निकल रहा है, आ जाना और अपने निकम्मे दोस्तों को भी ले आना। कुछ नहीं करेंगे कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ेगी। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। सब आएंगे। बेकूफ कहीं का, ऐसे खुश हो रहा था जैसे घर पर दावत के लिए बुलाया है। दो लाठियां सर पे पड़ेंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ जाओ मियां। अरे अशरफ मियां क्या हाल है, वैसे लिखा क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ऐसे चलते ही रहेंगे क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, चलना सबके साथ। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे। Gentlemen, this is a very peaceful village. I say you're right, you're better. Get out. ओह जनाब आइए सर, ये हादी जी। वंदे मातरम। Thank you.
अभी तो कैदियों से मिलने का वक्त भी नहीं है। गांव की कुछ लड़कियां कैदियों की तीमारदारी के लिए आती हैं। तो आप भी उनके साथ छुपकर मुझसे मिलने आ गई। ऐसे लिबास आप पर काफी जचता है। देखिए जावेद, ये प्यार नहीं हो सकता। आपको हमसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। ये बात आप हमसे कह रही हैं या अपने आप से? दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं? दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं? कुछ तो कसूर है आपके अदाओं का। अकेले हम ही गुनेगार। संतरा तो देती जाती। हमें पता है ये सब आपने मार ले किया, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ किसी के लिए कुछ करना नहीं होता। तो हम दोनों में से कौन किससे प्यार करता है? उफ, मैं तो नहीं करती। वैसे आपकी उम्र क्या है? 22 साल। हमारे गांव सरगोधा में एक कहावत है कि 22 साल की लड़की अगर किसी से 22 बार झूठ बोले तो उसकी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को प्यारी हो जाती है। हटो जी, ऐसी कोई कहावत नहीं होती। और हम आपसे प्यार नहीं करते। एक कहा ना नहीं करते तो पड़े आए। पौधे को ऐसे जड़ों के साथ हम लोग एक दिन हम अपने खेतों में बिल्कुल ऐसे ही खेती जावेद, हम लोग कभी साथ नहीं होंगे। तीन पानी डालो जी। प्यास लगी है मियां? हेलो, आपको बच्चे कितने चाहिए? क्या जावेद मेरे, जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे? अरे वाह, शादी क्यों नहीं होगी? जब प्यार नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? आप नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। क्या रहा? आप पिछले 4 हफ्तों से जेल क्यों आ रही? प्लीज। क्या मेरे कुछ कहने से पहले ही? अब अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को प्यारी हो जाने दी। अब बस मारी डाल रहा हूँ। ओ तेरी आँखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा। हूँ आशिक ये खता मेरी के जावेद नाम है मेरा। अरे तू होश में आ जा के जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। ओ
है मेरा। आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। तेरी आंखों का कैदी हूँ मोहब्बत काम है मेरा। हूँ आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। अरे तू होश में आ जा कि जो भी नाम है तेरा। नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। अरे आके आजमा ले हमें, आके आजमा ले हमें, हो जाएगी आशिक तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। कर दाओ हूँ आंखों से हसीनों का नशेड़ी हूँ। बिना छुए भी पीता हूँ मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ। मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ। हाँ मेरी नजरों के कैदी की जमानत भी नहीं होती। जो दिल हम तोड़ते उनकी मरम्मत भी नहीं होती। मरम्मत भी नहीं होती, मरम्मत भी नहीं होती। गुना होगा मौसम है अबे शर्मी की रुत आई। शराबत धीरे से बोली लहो के मैं भी धुत आई। अरे आ गया आजमाल हमें, हो जाएगी आशिक तू। हमसे 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 प्यार कर ले तू, गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे। कर दे तू, तू जालिम है तो आ जाना, मुझे भी जख्म दे दे तू। है तेरा हुस्न अगर तलवार तो ले पेश सीना है, मगर सीने के अंदर भी धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है। प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। हिंदुस्तानियों के अंग्रेजों के लिए काम करते हो सालो। आप तीन मशीन अकेले है, इस जेल में सकोगे। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मुझे आराधना से मिलना है।
उसकी पिछले महीने शादी हो गई। तुम उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और तुम्हें क्या लगा मैं उसकी शादी तुम जैसे से करवाता? शेर नहीं सुनाओगे? क्यों? तुमसे सुना नहीं जाए। जवाब नहीं दे रही है, एसएमएस को इग्नोर कर रही है, फेसबुक की लिस्ट से भी निकाल रही है। कमाल की बात है यार, इतने तरीके हैं आजकल कनेक्ट करने के, लेकिन अगर कोई आपको उस हर तरीके से इग्नोर करे तो आपको ये समझ जाना चाहिए। बट बेसिकली मुझे किसी लड़की की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरे पास दारू है तब तक मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। बिकॉज दारू और लड़की दोनों सेम होते हैं, कोई राग होती है, कोई लाइट होती है, कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है। एक पियो और चाहिए, ज्यादा पियो सजा से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
एक से कभी काम नहीं चलता। अरे यार ये पकड़। अब हम प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें करेंगे, हमें लगेगा वाह हमारे बीच में कितना अच्छा कनेक्शन है। हम बिल्कुल पुरानी जीन्स की तरह, लेकिन उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि अभी अभी मेरा दो लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ है। तुम कहोगी मैं तीसरी, या तीसरे तुम होगे। नाइस। यू नो व्हाट द थिंग इज, दैट दिस होल थिंग इट्स अ विशियस साइकिल। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में सेम शिट, वही झगड़े वही लड़ाइयाँ, फिर से किसी नए आदमी के साथ नया कनेक्शन। कल एक आखिरी बार शेक्सपियर फेस्ट पे मिलना। किसको मैसेज किया? दादा को और मीरा को भी। काकले मान कैसे गया? हाँ यार, जावेद कादरी का निकाल, ये कैसे हुआ? मियां जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत की, अब वो तो दोबारा होगी नहीं। सोचा अब्बू की खुशी के लिए कुछ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, यू नो दे से दैट शेक्सपियर हैज रिटन समथिंग फॉर एवरी रिलेशनशिप, कि शेक्सपियर ने हर रिश्ते के लिए कुछ लिखा है। In my case, not true. मेरे लिए तो बिल्कुल गलत। मेरे साथ जो हुआ वो शायद शेक्सपियर के साथ भी नहीं हुआ होगा। I guess what I'm trying to say is that मेरी लव स्टोरी, एक्चुअली लव स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही उलझी हुई। हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया। तो मैं बिना काम के किराए के मकान में रहने वाले से प्यार हो गया। हमें पर्दे पर चलती पिक्चर को सच्चाई समझ लिया। जैसे ही पिक्चर खत्म हुई, पीछे की सीढ़ियों से फिर सड़क। हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया।
आखिरी बार। जावेद कादरी का निकाह कैसे नहीं आते? ये सिर्फ अब्बू की खुशी के लिए रात में। मेरी शादी भी तो वही थी ना। हमें चलना चाहिए, हमारे यहाँ और रहना मुनासिब नहीं है। जिंदगी और शादी मुबारक। मीरा, आई थिंक यू ऑल नो मीरा, फेसबुक फाइट लास्ट वीक। आई टोल्ड यू दैट्स अ फेसबुक गाय। मैं हूँ वो फेसबुक गाय, यू राइट। मीरा, आई थिंक हम दोनों के बीच में जो था शायद प्यार था, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं कि वो नहीं है। और राधा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो भी कुछ है वो प्यार नहीं है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जिस दिन मेरा और मीरा का ब्रेकअप हुआ, विच वॉज माई बर्थडे, उसी दिन मैं और राधा मिले। और राधा, प्लीज ये मत पूछना कि कब, कैसे, कहाँ, इतनी जल्दी, बिकॉज ऑनेस्टली व्हेन आई डोंट नो व्हेन You happened to me. और अगर तुम यहां से चली गई जो तुम जा रही थी, मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। सुनिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहां भी सारी सीटें रिजर्व्ड हैं। आपने तो क्या किया होगा, कल तक तो चुप रही है। आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए? आपकी तो यहाँ मुझसे मिलने नहीं है। आपने ऐसा क्या किया होगा जो आप इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं? जावेद कादरी, वल्द सुलेमान कादरी, आपका निकाह निकाह शेख वल्द शाहनवाज शेख के साथ करार पाया गया है, क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। खराब हो गया क्या? ये क्या कर रहा है नमाकुल? ये हिंदुत्व है। देख जावेद, अगर तुझे इससे निकाह करना है तो पहले मुमताज से करना होगा। अरे तुझे तो चार बार की इजाजत है। चलिए बाबूजी। चार बार आराधना से निकाह करूं। That's exactly why I hate you, Krish Kapoor.
Love you too, brother. Rukhsar. Go in. Where you go, Krish? पहली बार हम किसी से कैसे, कब, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं ये हमें भी नहीं पता। माफ कीजिएगा, टोपी बीच में आ गई। This is so going on Facebook. और उन्हें हम फिर कब, कैसे, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं को अल्लाह जाने।